ये क्या है? गुल सांप। यार ऐसे नहीं करो, बस मैंने जाऊंगी। तो दोस्तों, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं गुलजार, आप देख रहे हैं वेटिंग माय व्लॉग। आज एक नए म्यूजियम में आए हुए, और ये म्यूजियम कहां पड़ता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बाकी बहुत ही क्लोज लोकेशन है इसकी, पुराने किला आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुराने किला मेरे पीछे है। एंड ये प्रगति मैदान यहाँ पर है, जहाँ पर ट्रेड फेयर भी लगता है, तो बराबर में ये है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। यहाँ की पार्किंग बिल्कुल ही फ्री है, आप यहाँ आ सकते हो, और इसके अंदर का एंट्री टिकट भी फ्री है। तो देर किस बात की यार, आओ और चेकआउट करो, साथ में मेरे साथ अभी पहले घूम लो। तो ये है शिल्प, मतलब जो वहाँ पत्थर होते हैं ना, उससे नक्काशी की गई है। और जो लिखा गया है, देखो साफ तौर से आप देख सकते हो, शिल्प संग्रहालय यहाँ पर लिख रखा है। और ये राजस्थान में ज़्यादातर यूज़ होता है। आप जो पीछे का पैटर्न देख रहे हो ना, पूरा पूरा राजस्थानी लुक है यहाँ पर। जस्ट गेट से एंटर होते ही हमें यहाँ पर कुछ हॉर्सेस दिख जाएंगे, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पर देख रहे हो ना आप, हॉर्सेस बने हुए हैं, और मतलब पत्थर वाली मूर्तियाँ बनी हुई यहाँ पर। तो ये है नया भारत, मतलब यहाँ पर जो प्रमोट कर रखा है, खादी को कर रखा है। और आप जो मोदी सर के साथ ना, आप साइड में खड़े होकर के यहाँ पे फोटोग्राफ भी करा सकते हो। म्यूजियम के स्टार्ट होते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड पे पड़ रहा है एक संग्रहालय, म्यूजियम गैलरी है, और सामने हम म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। बट अभी हम इस तरफ चलते हैं अपने लेफ्ट साइड पे, और वहाँ हम देखते हैं मट्टी लीप रखी है। देखो जैसे कि गांव में ना जो मट्टी लीपी जाती थी, सेम वही कर रखा है यहाँ पर। और वो एक दरवाज़ा साइड में, ऊपर आप देख रहे हो ये छत सी बनी हुई है, तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी मट्टी वाला एक घर बना हुआ है। गुल ये क्या है, ये किस काम आता था? ये कोलू का बैल है, जो सरसों का तेल निकालते थे। हाँ। पहले गोल गोल घूम घूम के बैलों को घुमाते थे, तो ये उसी काम आता था। दोस्तों देखो, मतलब गांव में ना ये यूज होता था ज्यादातर। हम पुरानी मूवीज में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में बहुत ज्यादा देखते हैं कि मतलब वहाँ पर जो सरसों होती थी या जो भी मटेरियल होता था वहाँ डालते थे, और ये गोल गोल घूमते थे, उससे फिर जो मटेरियल निकलता था, तेल निकलता था। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्राफ्ट म्यूजियम में आप सभी का स्वागत है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर ना मतलब जो हमारा जो पुराने विलेजेस थे उसको मतलब स्टोर करके रखा गया। आपको बताया गया है कि राजस्थान और भारत के कई पर मतलब गांव होते थे पहले। जो पुराना जो एक्सपीरियंस ना आपको यहाँ पर फील करने को मिलेगा। आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये भी पूरे पूरे गांव का स्ट्रक्चर बना रखा है। पीछे कोलू का बेल बना रखा है, किस तरीके से ऑयल निकाला जाता था। और यहाँ पर जो रियलिटी दिखाई गई है, आप जो यहाँ की वॉल्स को देख सकते हो ना, पूरी की पूरी मतलब मट्टी से लेपी गई है, जिस तरीके गोबर और मट्टी का जो भी होता था ना, वो उसका मिक्सचर मिला करके। बाकी यहाँ पर आपको हरियाली काफ़ी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे ज़्यादातर। एंड अभी मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ इसके आगे। क्या हुआ भट्टी? हाँ, ये जो नहीं भट्टी को यही है। अरे भट्टी ये गांव के लोग यूज करते थे ना, यहाँ से लकड़ियाँ डाल के इसमें बनाते थे। बाकी इन्होंने बना रखा है, इसके दो मुंह होते थे, एक इधर एक इधर, जैसे वो रखा है ना वो चूल्हा इसके ऊपर। हाँ, ये तो मैंने देखा है। हाँ, तो गांव में ये होता था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पुराना है, मतलब गाँव के लोग इस्तेमाल करते। बाकी दीवारों पर भी देखो किस तरीके की पेंटिंग बना रखी है, थोड़ा मैं कुछ ये इसे क्या बोलते हैं, छाछ। छाछ को, छाछ तो पीने की होती है। नहीं नहीं, छाछ भी बोला जाता है। छाछ सूप होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। जो भी होता है यार, तुम कमेंट में बता देना, ठीक है। ये क्या है? अरे वाह, ये भी तांग है, देखो। चलो मैं आता हूँ उस तरफ से। ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, टांगे का एक स्ट्रक्चर बना है, घोड़ा गायब है। बाकी गुल लेके जाएगी, अभी गुल चलोगी ना, लेके जाओगी इसे मैं। तो ये टांगे का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, आप इसके व्हील्स देख सकते हो कितने बड़े हैं। और गुल तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। मेरे को ये सब बहुत पसंद है, तो पता है इसके आगे साथ फोटो खिंचवा
आएंगे ना बहुत अच्छी फोटो आएगी यार, बहुत अच्छी फोटो आने वाली क्योंकि ये रियल है और यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ना पीने का पानी भी मिल जाएगा, टिकट बिल्कुल फ्री है, और कहाँ पर लोकेशन है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ पर ना मतलब घोड़ा गाड़ी जो चलती थी ना, वो चीज़ें यहाँ डिस्प्ले कर रखी है। एंड ये पूरा जो का पूरा जो गाँव है ना, बिल्कुल एक जो संजो रखा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। अभी फिलहाल हम राजस्थान का जो लुक है यहाँ पर, वो चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद में आपको और भी यहाँ पर गाँव घुमाने वाले। देख रहे हो इसका मज़ा, गिलहरी भी हमारी उठा रही है, ओए पाक गई। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो, ये देखो इसको तो भाई बहुत मज़ा आ गया, इसको तो गांव वाली हसरतें पूरी हो गई, मुझसे कब से कह रही है कि गांव चलते हैं गांव चलते हैं। आज मज़ा आ गया, गांव लिया है तुम्हें, गांव लिया है। हाँ ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की हैं ये सारी, जो घोड़ा गाड़ी होती थी ना, घोड़े तो चलाते थे, हाँ तो आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट टाइप के ना, यहाँ पर आपको घोड़ा गाड़ी और हाथ से जो खींचते थे वो सब मिल जाएगी। बाकी तो जहाँ तक कोलकाता में अभी भी शायद चलती है वो। कहाँ जा रही हो? खाना खाने का टाइम हो गया, अंदर चलो जल्दी। देखो ये मुझे किचन में ले आई है, खाना कहाँ है? अंदर चलना, अंदर अंदर सांप, गुल सांप। यार ऐसा नहीं करो, बस मैं नहीं जाऊंगी। अभी ऊपर भी चलते हैं। तो दोस्तों ये है जो मतलब हिमाचल प्रदेश में जो ऊंचे स्थानों पर पहाड़ों पर पाए जाते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है, आप देख सकते हो उसको। तो ये देख रहे हो तुम, ये देखा नहीं हिमाचल में कुल्लू हाट की तरह बहुत सारी ऐसी झोपड़ियाँ दिखती है ना, ये वही है। पर अभी मुझे लग रहा है इसके अंदर ना चंद्रमुखी है। तो अभी हमने हिमाचल राजस्थान एंड अब यही देखो मध्य प्रदेश के मतलब एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, वहाँ पर किस तरीके के मतलब पहले विलेजेस हुआ करते थे। अभी का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं ना काफ़ी पुराने टाइप में होती थी। अब तो ज़्यादातर लोग पलस्तर करवाते हैं, मगर ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना ये पूरी की पूरी वही है, मिट्टी और गोबर से जो लेपते थे, और फर्श भी पूरा इसी तरीके का होता था लिपा हुआ। हाँ आंगन, ये आंगन हुआ करते थे। बाकी आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर, और अंदर चलते हैं, और ये चरखा रखा हुआ यहाँ पे। तो ये है पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में किस तरीके की हट होती थी उसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है, और यहाँ पर आप मूर्ति का एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। एंड ये शायद वहां के मंदिर हुआ करते होंगे इस टाइप के। अब आगे चल रहे हैं, क्या ये ओहो, ये नागालैंड मिजोरम की कुछ याद आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नागालैंड मैं इस टाइप की हट हुआ करती है, इतना लंबा सूंड की इतना क्या बना रखा है। ऊपर चलते हैं, कौन कहाँ बैठा है? कौवा, देखो कौवा बैठा हुआ है। गुल कह रही है झाड़ू लटकी हुई है, इससे सच में झाड़ू लग रही है। देखो ये देख रहे हो, और जो नागालैंड में वो लेके चलते थे ना, ये कहते थे हो, ये वही है लग रहा है। बड़े बड़ी से मतलब थोड़ा सजावट के लिए, और इस टाइप के कुछ घर हुआ करते थे यार। नक्काशी आप देखो घर पे किस तरीके कर रखी है। और देखो जैसे मैंने आपको बताया, और अब बारी आई है उड़ीसा क्षेत्र में चलने की हमारी। और सच में यार यहाँ पर तो हर एक गांव घूम लिया हमने, है ना, वो भी फ्री में। तो दोस्तों भारत के विभिन्न गांव को आज घूमते घूमते हम फिलहाल अभी उड़ीसा में आ गए हैं, और गुल ने बताया कि यहाँ पर तुलसी लगती थी। मुझे तो लगता था निबड़े में तुलसी लगेगी। अरे ये तुलसी की जगह भाई, इसमें नहीं लगती ना, लगा। अच्छा ये कह रही कि आंगनों में जो तुलसी लगती थी ना, ये उसका मतलब एक स्ट्रक्चर बना रखा है। बाकी उड़ीसा
वैसे यार मेरे को सिमिलियर ही लग रहे हैं हर एक गांव, बाकी यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ डिफरेंट है। आप देखो इस गांव के गेट के अंदर हम प्रवेश करते हैं और अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। घर के अंदर आ गए हैं या बाहर आ गए ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्या है ये, हम बाहर अंदर हैं? हवा महल है ये, गिरी गुलगिरी हवा महल है। ऊपर चप्पड़ उप्पड़ सी नहीं है तो डेफिनेटली ऐसी लग रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नहीं है यहाँ पर, और लेकिन फीलिंग अच्छी आ रही है। यहाँ पर हम चारपाई डाल के आराम से बैठ सकते हैं और गुल रोटी पकानेगी मेरे लिए वहाँ पर चूल्हा बना करके। तो फाइनली गुजरात में आ गए और ये देखो एक छोटू सा टेम्पल है ये, है ना टेम्पल, छोटू सा टेम्पल ही है ये, और बाकी ये आप देख सकते हो। ये दोस्तों इसकी जो छप्पड़ होती थी ना, ये जो गर्म हवाएं होती है ना वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती तो उससे ये बचाती थी। तो आप ही देख रहे हो झाड़ू, आजकल तो झाड़ू बेच रहे हैं यार ऐसे लोग सीलमपुर मार्केट में ज्यादातर, रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाती थी और ये पौधों से बनी होती थी। हाँ सही हो, गुल को बहुत ज्ञान हो गया मेरे साथ घूम घूम कर। तो अभी गुजरात के और भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो ब्यूटीफुल सा एक गेट बना हुआ है यहाँ पर, एंड ये कुछ घर इधर के हो गए। अभी गुजरात ही चल रहा है। ओ माई गॉड यार ये है देखने वाली चीज़ है सच में। ये देखो ये बड़ा सा एक घड़े टाइप का है ना, कुछ सामान रखते होंगे इसके अंदर। और ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि पर्सनली मेरे गांव में भी ये मिलता था। इसके अंदर गेहूं वेहूँ सब रखते थे, है ना गुल, गेहूं वेहूँ रखते थे ना, वही है ना ये। हाँ। ये वही चीज़ें बनी हुई है इसके अंदर, गे मतलब राशन, घर का जो राशन हुआ करता था ना वो चीज़ें इसमें रखते थे। और हाँ इसमें बनता था शादी का खाना। अच्छा जी, बाकी राजस्थान का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो। ये देखो कितने बड़ा बड़ा है यार, वाह ओ पेड़ों से ना वो गिर रही छोटी छोटी पत्तियों से गिर रही और ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ये राजस्थान का कुछ, ये कितना बड़ा थाला है, तसला है। हाँ थाला, इसमें खाना खाएंगे, बिरयानी बनाएंगे यार मेरे लिए। इसमें पहले खाना ही बनता था शादी वगैरह में, पार्टीज में ना उन लोगों के यहाँ तो खाना बनता था, और इसमें ना गेहूँ रखा जाता था स्टॉक करके। हाँ ये क्या है, तुम्हें समझ में आया क्या? नहीं भाई क्या है, झूला झूलने वाला है क्या ये? अरे नहीं यार, ये मैरिज प्लर हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा। यहाँ शादी वगैरह होती थी। अब क्या घुमाने वाली हो? गुजरात ही है, गुजरात में अभी हम गुजरात में है, बाहर चल रहे गुजरात। सरकारी नल दिखा, सरकारी नल, सरकारी नल का है। अरे इधर ही तो है सरकारी हैंडपंप, पानी भरा है। हाँ उछल उछल के भरते थे, इस पर चढ़ जाता फिर नीचे आता था, बहुत सारा पानी आता था, नहाई भी मतलब। दोस्तों आप जो ये हट देख रहे हो ना, ये है अंडमान निकोबार में के गांव में हो रहा हुआ, अरे उस टाइम के गांव कुछ इस टाइप के हुआ करते थे। और ये गांव है हमारा तमिलनाडु का, तमिलनाडु के जो निवासी हुआ करते थे ना गांव वाले, वो इस तरीके के बनाते थे पहले ज़माने में। आप ये देख सकते हो कुछ एक सर्कल सा बना रखा है और ये छोटा सा गेट है, और ये बैठने के लिए यहाँ पर एक कुर्सी देवगुल बैठ जाएगी, और ये पेड़ पौधे यहाँ पर काफ़ी हरियाली तमिलनाडु में। और यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ उतरता हुआ, और फिलहाल अभी आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया है, चले गुल। छोटा सा कुआं यहाँ बना रखा है। दोस्तों कितना खूबसूरत दरवाज़ा बना रखा है यहाँ पे, आप देख रहे हो। यहाँ पर आपको ना कुछ शॉप्स मिल जाएंगी शॉपिंग के लिए, और ये देख रहे हो आप कितना बड़ा भी कढ़ाई कहूँ इसे, क्या कहूँ, ये वैसे ये खीर भी पकाते थे ना जो, तो यहाँ पर लिख भी रखा है देखो आप, हर एक चीज़ के पास ना आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो क्या है। तो मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये इतनी बड़ी हांडी समझ लो यार, एक हांडी है कढ़ाई टाइप की। हाँ आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये है रजवाड़ा लुक एक छत्तीसगढ़ का, आप देख सकते हो, मतलब वहाँ जो अमीर लोग हुआ करते थे ना तो वो इस टाइप की कुछ घरों में रहते थे। तो भी कोई यार यहाँ पे हरियाली बहुत है, और गांव का जो एक आनंद होता है कि हम वहाँ घूमते हैं वो बिल्कुल फील आता है यहाँ पर। आप ये देखो यहाँ पे कितनी
इतनी ज़्यादा गिलहरियाँ मिल जाएंगी आपको, बर्ड्स मिल जाएंगे बहुत तरीके के। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना आपको आके सुकून मिलेगा, वो गांव वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, ये रही। और लास्ट में हम इसको कवर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, हम सोच रहे थे कि जाते जाते इसको कवर करते हुए चलेंगे, तो आइए इसको भी घूमते हैं। वेलकम टू कैलरू। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम बना रखा है यहाँ पर ये। अमरेंद्रनाथ बाहुबली, बहुत बड़ा यार ये। तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र का मतलब मंदिर हुआ करते थे उस वक्त, जिसे वो अपने हाथों से स्वयं खींचते थे, मतलब भक्त होते थे। एक चलता फिरता मंदिर है, इसके पहिए आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े उसके व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए आप, क्या शानदार मंदिर है। तो दोस्तों ये था दिल्ली का नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। आई होप आपको ये म्यूज़ियम बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर अगर आप एक नेचर लवर हो और विलेजेस से आपको प्यार है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।